तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जो है वो नेट फिटिंग का सेटअप लगवाने वाले उन तमाम लोगों के लिए है जो अभी तक नेट फिटिंग के सेटअप लगवाना तो चाहते हैं लेकिन उनको इसकी रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में हम नेट फिटिंग करवाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स कंज्यूमर के एंड से वापडा को दरकार होती हैं उन तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम कि हम जो है एज ए कंज्यूमर वापडा की तरफ से सिंगल फेज कंज्यूमर है या थ्री फेज कंज्यूमर है। अगर तो आप सिंगल फेज कंज्यूमर हैं तो सबसे पहले तो आपका जो रिक्वायरमेंट वापडा आपसे करेगा वो होगा आपका लोड, सेंक्शन लोड। सेंक्शन लोड आपके बिल के ऊपर मेंशन होता है कि आप कितने सेंक्शन लोड के ऊपर जो है वो अपना घर जो है वो चला रहे हैं। और जैसे ही आप 5 किलोवाट या 5 से ज़्यादा जितने भी जो है वो सेंक्शन लोड पे जाते हैं तो आपकी जो सिंगल फेस जो सप्लाई है वो वापडा की तरफ से 3 फेज के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ आ जाती है कि आपका लोड जो है वो आपके नेट मीटिंग के सेटअप की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है 5 का सेंक्शन लोड आपके पास मिनिमम होना चाहिए जो कि एक 3 फेज कंज्यूमर को ही अलॉट किया जाता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी आपका 5 का सेंक्शन लोड, 5 या 5 से ज़्यादा। ये वेरी करता है कि आप कितना बड़ा सोलर का सेटअप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं नेट मीटिंग के। तो सेंक्शन लोड के बाद जब आप सेंक्शन लोड जो है वो अप्रूव करवा लेते हैं वापडा से, ये जो है सेंक्शन लोड अप्रूव करवाने का तरीका ये है कि आप वापडा के अंदर अपनी एक एप्लीकेशन देंगे कि हम जो है वो अपना लोड बढ़वाना चाह रहे हैं। जैसे ही आप 5 से 5 से ऊपर जितने भी वाट का लोड जो है वो वापडा से अप्रूव करवाने की तरफ जाएंगे तो आपका जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली 3 फेज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो सेक्शन लोड अप्रूव होने के बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट आती है वो है आपका सोलर सिस्टम, कि आपका सोलर सिस्टम जो है वो वापडा और नेपरा के जो SOPs हैं क्या उनके अकॉर्डिंग जो है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो लेट्स से कि आप 10 किलोवाट के एक सिस्टम लगवाते हैं तो उस 10 किलोवाट सिस्टम को सबसे पहले जो है वो आप खुद जो है उसको चेक करेंगे कि आया कि वो नेपरा की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इंस्टॉल हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। सबसे पहले तो इसमें आ जाता है कि पैनल टीयर 1 के जो है वो आप इंस्टॉल करवाएंगे। पैनल के बाद आपका इन्वर्टर जो है वो ऑन ग्रिड होना चाहिए, कोई हाइब्रिड इन्वर्टर, कोई इसके अलावा जो दूसरे मार्केट में इन्वर्टर चलते हैं वापडा की तरफ से जो है वो हाइब्रिड इन्वर्टर्स के ऊपर जो है वो नेट फिटिंग नहीं की जाती, वो आपको तंग करते हैं। और लेकिन मेरे एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कभी जो है वो हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ जो है वो सोलर सिस्टम जो है वो नेट फिटिंग के ऊपर चलते भी देखे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो अल्टरनेटिव एनर्जी का बोर्ड है उसने कुछ कंपनीज हैं उनको सर्टिफाई किया हुआ है कि वो सोलर की इंस्टॉलेशन दे सकती है, क्योंकि उन कंपनीज को पता होता है कि एक नेट मीटिंग का सेटअप लगवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपका सिस्टम ईजिली इंस्टॉल कर देते हैं बजाय इससे कि आप किसी लोकल इंस्टॉलर से सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं और वो अपनी देसी जो महारत है उसको प्रोकार लाते हुए आपका सिस्टम जो है वो वापडा या SOP के अकॉर्डिंग ना इंस्टॉल करें, तो ये बात में आगे चल के आपके लिए मसला हो सकता है। तो तीसरी रिक्वायरमेंट इसके बाद जो आती है वो है आपकी वापडा के अंदर नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन। आप जिस इंस्टॉलर से सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं ये एप्लीकेशन बना के देना उसी की जिम्मेवारी होती है। और हाँ, आजकल एक ऐसा सिस्टम भी चलता है कि आप किसी लोकल अच्छे इंस्टॉलर से अपना सिस्टम इंस्टॉल करवाएं और शर्त यह है कि उसे वापडा की तरफ से जो रिक्वायरमेंट होती है SOPs की उनकी तमाम तरह जो है वो उनको हावड़ा हो
कि उसकी अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, उसके पैनल जो है वो इंस्टॉल होने ठीक से वो इंस्टॉल होने चाहिए, उसके ऊपर जो है वो विंड बारिश या इस तरह का कोई इम्पैक्ट ना आता हो जो बाद में आगे चल के आपके लिए या नेट मीटिंग के सेटअप के लिए नुकसानदेह हो। तो अगर तो आपको ये सारे सिस्टम की हाउ नाउ है तो आप इसे ले सकते हैं। बाकी बात रही आपकी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन आपकी 40 से 50 पेजेस की एक फाइल होती है, आपको जैसे कि स्क्रीन के ऊपर मैं शो करवा रहा हूँ, और ये फाइल आपकी जाएगी एज ए एप्लीकेशन आपके सर्कल ऑफिस में। सर्कल ऑफिस वाकना का वो ऑफिस होते हैं जहाँ पे आपके एक्सीएम बैठते हैं। तो इस एप्लीकेशन को सबमिट करवाने के बाद इस आपकी जो साइट है वो विजिट की जाएगी वापडा के ऑफिशियल्स की तरफ से। वो चेक करेंगे आया कि आपकी जो फाइल के अंदर डिटेल्स आपके सिस्टम के बारे में दी गई हैं कि उसी के अकॉर्डिंग आपका सिस्टम इंस्टॉल होगा या नहीं होगा। अगर आपका सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग इंस्टॉल होगा तो वापडा जो है वो आपको एक नेट मीटिंग का अप्रूवल दे देगी और आपको एक NOC जारी कर देगा कि आप जो मीटर परचेज कर लें इन केस अगर उनके पास मीटर अवेलेबल ना हो। ग्रीन मीटर वापडा जो है नेट मीटिंग के लिए ग्रीन मीटर देता है, आप सभी लोग जो है वो जानते ही होंगे इस बारे में। आपको स्क्रीन के ऊपर मैं ग्रीन मीटर जो है शो करवा देता हूँ। तो बाकी ये है कुछ इनिशियल रिक्वायरमेंट जो वापडा अमूमन जो है वो कस्टमर से करता है। सबसे पहले एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स का। सबसे पहले आपका सेक्शन लोड जो है वो आपके सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग अप्रूव होना चाहिए वापडा से। मतलब अगर आप सिंगल फेज यूजर हैं तो आपको 3 फेज के ऊपर शिफ्ट होना है, क्योंकि कम से कम अगर आपको 5 चाहिए होता है, 5 से कम के ऊपर नेट मीटरिंग नहीं होती। सेकेंडली आपका सोलर सिस्टम वापडा और एप्रा के SOPs के अकॉर्डिंग इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। थर्ड इज़ के आप जो है वो फाइल बनवाएं अपनी एप्लीकेशन जो आपके सर्कल ऑफिस में जमा होगी एज ए नेट मीटरिंग की दरखास्त। आपको नेट मीटरिंग के जितने भी इनिशियल रिक्वायरमेंट थे वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई मज़ीद आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आप तक ज़रूर पहुँच सकें।